नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में जैसे प्रकृति नाराज हो गई है, मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चे की मौत हो रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा समय आ गया है। डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है, सारे महकमा इसमें लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों की जो मौत हो रही है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथ भी एक ऐसी कारगर ये मेडिसिन पद्धति है जिसमें अगर कुछ दवा का प्रिकॉशन लिया जाए तो इंसेफ्लाइटिस नाम की जो बीमारी है वो बीमारी आएगी ही नहीं, या फिर अगर अटैक करती है तो जानलेवा नहीं होगी। जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रतन जी, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसका पूरा होम्योपैथ में इसकी क्या दवा है और कब कब लेने से ये बीमारी नहीं होगी, या फिर अगर अटैक करती भी है विषम परिस्थिति में तो जानलेवा नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, कह रहे हैं कि आजकल आप सुन रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में या पूरे धीरे धीरे पूरे बिहार में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की जान जा रही है। सरकार सख्ते में है, सरकार की पूरी मेडिकल टीम लगी हुई है, लेकिन सरकार का जो ध्यान है ये होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ नहीं जा रहा है। हालांकि मैंने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा कि ये टीम बनाई जाएगी, दवा का कुछ उसका सैंपल टेस्ट किया जाएगा, फिर जो है ये देखा जाएगा। आपसे जानने की हम कोशिश करते हैं हम लोग कि ऐसी कौन सी दवा है जो अगर दिया जाए तो बच्चों में इम्यून सिस्टम स्टेबल रहेगा। होम्योपैथ की जो भी दवाइयाँ हैं वो बच्चों के या ह्यूमन बीइंग पर इसका जो असर है इंटरनल इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो पर्टिकुलर दवा बीमारी के लिए, टाइफाइड के लिए अलग अलग है। हमारे यहाँ जो भी हमारी दवाइयाँ हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी हो, बुखार हो, और उसमें अभी जैसे आपने इंसेफ्लाइटिस का नाम लिया, विगत कई वर्ष पहले भी मुजफ्फरपुर में इस तरह का अटैक हुआ था, और उस वक्त भी मैंने हिंदुस्तान अखबार के द्वारा मैंने इस तरह की न्यूज दिया था कि साहब पहले होम्योपैथ की दवा एकोनाइट 30 और बेलाडोना 30 ये अल्टरनेट करके अगर 3 दिन दे दिया जाए तो किसी भी बच्चे को इस तरह का भयंकर जो आप अभी फेस कर रहे हैं ये आक्रामक संक्रमण किसी बच्चे में नहीं होगा। जो भी बच्चे हैं उसका इंटरनल इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि जो भी इन्फेक्शन अगर आप लग भी गया तो वह बच्चा मरने के कगार पर नहीं जाएगा। और ये 3-2 दवाइयाँ हमारी हैं सिर्फ, सभी बच्चों को एकोनाइट और बेलाडोना ये 3-3 खुराक 3 दिन अगर दे दिया जाए तो हमारे बच्चे का एकदम ये उसकी सिक्योरिटी, जान की सिक्योरिटी और बीमारी के जो फैलने की क्रिया है जो जिस तरह से भयावह रूप लेते जा रहा है, बाहर घर में आज बच्चे माने बीमार पड़ते हैं और इलाज के बगैर, और उस पर ट्राई एंड एरर में जितनी भी दवाइयाँ अभी तक दी जा रही हैं देहातों में, वो ट्राई एंड एरर में बच्चे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका इलाज शुरू होने के पहले ही वो दम तोड़ देते हैं। जो बच्चे अभी जिसका कुछ दवा अगर सही दवा का उसको मिल गया, अगर होम्योपैथ की दवा अगर वो सही मात्रा में ले रहा है, अच्छी कंपनियों की दवा ले रहा है, तो उसके बच्चे को यह गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि साहब उसके इंटरनल इम्यून सिस्टम, जो बच्चा तुरंत डिहाइड्रेट हो जाता है, हाई फीवर में चला जाता है, सेरिब्रल नर्व में सूजन हो जाता है, जो बच्चा जाकर के वहाँ पर तुरंत कोमा में चला जाता है, ये सब बीमारियाँ इतना भयावह रूप में नहीं आ पाएंगी। मेडिकल टीम और सरकार का ये दावा है कि मेडिकल टीम से जो फीडबैक सरकार को मिली है उसके मुताबिक खाली पेट लीची खाने से रात में बच्चे खाली पेट सो जाते हैं, इससे जो है ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। ये बातें, ये जो सरकार का जो अपना इन्वेस्टिगेशन है और लीची की बातें, लीची चूंकि अभी इस बार पानी पड़ा नहीं और लीची में जो स्वाद होना चाहिए वो स्वाद है नहीं, और एसिड ज़्यादा है लीची में, और वो बच्चे खाते हैं और
सो गए और शरीर में पानी है नहीं, तो उसमें उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और बच्चे उससे हाईली फीवर में चले जाते हैं, कभी लूज मोशन हो जाता है। और किसी इस बीमारी में आप अक्सर देखेंगे कि उस बच्चे का डिहाइड्रेशन तभी होता है कि या तो एक लूज मोशन हो जाए या उसको वॉमिटिंग हो जाए, और ये दोनों जब हो जाता है तो फिर उसके बाद परेशानियाँ, उसमें संक्रमण की मात्रा बहुत बढ़ जाती हैं और उसके बाद आप जात में कर लेते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एकोनाइट इमीडिएट खिला दिया, एकोनाइट और बेलाडोना अल्टरनेट करके अगर आपने 3 बार दे दिया 3 दिन तक, तो उस बच्चे को निश्चित ही काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी और वह बच्चा मरने के कगार पर तो नहीं जाएगा, मरने से तो निश्चित बन जाएगा। और इमीडिएट जो भी इन्फेक्शन है, जो फीवर हाई हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सारी प्रक्रिया उसकी अपने अंडर कंट्रोल आ जाएगा।